ग्वालियर में 25 दिन के मासूम को उसकी ही मां ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बच्चे के शव को गोदी में लेकर थाना पहुंचे महिला के पति ने हत्या का आरोप लगाया। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पहले भी ऐसा कर चुकी है, इसलिए बच्चे को वो दादी के साथ सुलाता था। लेकिन मंगलवार रात को उसकी पत्नी अपने साथ बच्चे को सुलाने ले गई और जब बच्चे के पिता ने बुधवार की सुबह बच्चे को मृत देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तत्काल सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने आरोपी मां को अब हिरासत में ले लिया है और मृत बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। हाँ, मेरे को तो ऐसा ही लगता था इसने दो चार बार ऐसे ही कोशिश की थी, परसों भी मारने की कोशिश की, कल भी मारने की कोशिश की थी। हाँ, तो मेरे को तो आज रात को भी ऐसा मतलब कोई संभाव नहीं आता। इसने बोला कि मैं बच्चे को दूध पिला के अच्छे रखूंगी, मगर इसने सवेरा नहीं होने दिया। मैंने देखा बच्चे का तो सवेरे 5:30 बजे की टाइम पे तो मेरा बच्चा मारा मिला मेरे को। करीब 30 दिन का है, उसकी मृत अवस्था में मिला है। परिजनों को आशंका है कि उसकी माँ ने मतलब हत्या कर दी है, मगर चूंकि अभी कोई ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो इसमें मर कायम कर जांच की जा रही है। बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।